गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 8 ऑफ गॉड मदर इंग्लिश स्कूल। टुडे वी स्टार्ट साइंस सब्जेक्ट चैप्टर 14 केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेट्स द पैरा। योर एल्डर माइट हैव क्वेश्चंस यू अगेंस्ट टचिंग एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विद वेट हैंड्स, बट डू यू नो व्हाई इट इज डेंजरस टू टच एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विद वेट हैंड। वी हैव लर्न अर्लियर दैट द मटेरियल which allows electric current to pass through them are good conductors of electricity. On the other hand, material which do not allow electric current to pass through them easily are poor conductor of electricity. तो देखो, इसमें यानी इस चैप्टर में हमें इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट के बारे में पता चलेगा। और हमने हमने बड़े से हमेशा ये सुना हो कि कभी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को जो है गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। और ऐसा क्यों बोला जाता है तुम्हें मालूम है? तो देखा जाए तो जब भी हम कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस को गीले हाथों से छुएंगे तो उससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा बढ़ जाता है। और उससे अगर इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज ज़्यादा हुआ तो तुम्हें तुम्हारी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा इससे पहले वाले जो चैप्टर्स थे उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में ऐसी चीज़ें आती है जो इलेक्ट्रिक करंट को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पास करने में मदद करती है, ठीक है, उसे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसे कहा जाता है? तो ऐसे मटेरियल जिसमें से अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता तो उसे पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे क्या चीज़ आती है? तो सारे मेटल्स आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मेटल की खासियत ही है कि वो आसानी से इलेक्ट्रिक करंट को जो है अपने अंदर से एक जगह से दूसरी जगह पास कर सकता है, ठीक है। इसलिए मेटल्स जो होते हैं ना वो ज़्यादातर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और उसमें अगर देखा जाए तो मेटल में से भी कौन सा ऐसा मेटल है जो सबसे ज़्यादा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है? तो वो है कॉपर, ठीक है। अब देखो, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें तो उसमें ज़्यादातर क्या आता है? वुड, प्लास्टिक, ये सब चीज़ें आती है, ठीक है। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। और हमने ये देखा होगा क्योंकि किसी भी इंसान को अगर कोई इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं? लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं उसको हटाने के लिए, ठीक है। उसमें भी सूखी लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि गीली लकड़ी होगी तो उसमें वाटर प्रेजेंट होगा और वाटर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पास कर देता है, ठीक है। क्योंकि लिक्विड जो है वो ज़्यादातर क्या करता है? तो इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, ठीक है। अब देखो, कुछ मेटल और कुछ नॉन मेटल की बात करेंगे कि वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो जैसे मेटल की अगर बात करें उसमें कॉपर और एल्यूमिनियम ऐसी चीज़ें जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाता है। और मटेरियल लाइक रबर की अगर बात करें तो रबर, प्लास्टिक और वुड वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास करने नहीं देता है, ठीक है, वो एक ही जगह पे उसको रोक के रखता है। और हाउएवर, सो फार वी हैव यूज अवर टेस्टर टू टेस्ट मटेरियल विच वेयर इन सॉलिड स्टेट, बट व्हाट अबाउट लिक्विड, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हम टेस्टर देख सकते हैं। टेस्टर के जो मेटल वाला पार्ट था उसमें हमने जब सेल और बल्ब को कनेक्ट किया तो हमने देखा कि बल्ब जो है वो जलने लगती है, ठीक है। मगर उसी के जगह पे जब हम टेस्टर के प्लास्टिक वाले पार्ट से सेल को कनेक्ट करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती और उसकी वजह से बल्ब नहीं जलता है, ठीक है। मगर यहाँ पे एक सवाल आता है कि सॉलिड चीज़ों से तो चलो समझ आया कि कुछ में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और कुछ में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, तो लिक्विड में क्या, ठीक है। द टेस्ट वेदर ए लिक्विड एलोस इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट, वी कैन यूज द सेम टेस्टर एंड हाउ रिप्लेस द सेल बाय ए बैटरी। ऑल्सो बिफोर यूजिंग द टेस्टर वी शुड चेक वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट, ठीक है। एंड नाउ द टेस्ट दैट अवर टेस्टर इज़ वर्किंग लेट अस यूज टू टेस्ट द वेरियस लिक्विड, ठीक है। तो देखो, उसी चीज़ का हम सेम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो जो सेल है, सेल से वायर को कनेक्ट करके हम लिक्विड में रखते हैं, ठीक है, एक साइड का मतलब एंड जो है लिक्विड में रखेंगे और दूसरे साइड का जो कनेक्शन है उसको हम, यानी जो टेस्टर है जिससे हम दूसरा वायर कनेक्ट किया हुआ है उसको हम क्या कर सकते हैं? पानी में रख सकते हैं और फिर हम चेक कर सकते हैं कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है कि नहीं, ठीक है। When
व्हेन द लिक्विड बिटवीन द टू एंड ऑफ द टेस्टर अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास द सर्किट ऑफ द टेस्टर बिकम कंप्लीट। ठीक है, यानी अगर देखो दोनों एंड अगर देखा जाए टेस्टर के जो हमने किए, अगर दोनों एंड अगर इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है तब जाके एक सर्किट जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। और इसी के वजह से क्या चीज़ होती है, तो करंट जो है वो फ्लो होता है और उसके वजह से बल्ब जो है वो जलने लगता है। ठीक है, व्हेन द लिक्विड डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास द सर्किट ऑफ द टेस्टर इज नॉट इनकम्प्लीट। मगर अगर लिक्विड जो है इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देता तो सर्किट क्या कहलाता है, इनकम्प्लीट कहलाता और बल्ब भी जो है वो ग्लो नहीं करता। ठीक है, इस तरह का। इन सम सिचुएशन इवन दो द लिक्विड इज कंडक्टिंग द बल्ब मे नॉट ग्लो, इट्स मे हैव हैपन इन एक्टिविटी। डू यू रिमेंबर वाई द बल्ब ग्लो वैन द इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट? ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट हीटेड टू ए हाई टेम्परेचर एंड इट्स स्टार्टेड ग्लो। अब यहाँ पे देखो कि बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो किस तरह से जलने लगता है उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसमें हीटिंग इफेक्ट भी होता है। ठीक है, यानी उससे अगर देखा जाए तो चीज़ें गर्म भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि अगर देख सकते हैं हम, जैसे इलेक्ट्रिक इंडक्शन की बात करेंगे उसमें भी ये चीज़ होती है। इसके अलावा आयरन प्रेस की बात करेंगे तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है और उससे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस किया जाता है। और इसी तरह से देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी जो है हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है और इसके वजह से जब बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो गर्म होता है उसके बाद जो है वो जलने लगता है। ठीक है, यानी जैसे ही फिलामेंट हाई टेम्परेचर पर जाएगा उसके बाद वो ग्लो करने लगेगा। हाउ एवर इफ द करंट थ्रू ए सर्किट इज टू वीक द फिलामेंट डज नॉट गेट हीटेड। अब समझ लो अगर जो मटेरियल से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें से समझ लो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रॉपरली पास नहीं हो रहा है। ठीक है, और करंट का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा कम है तो उससे क्या चीज़ होगी, फिलामेंट गर्म होगा नहीं और बल्ब जलेगा नहीं। ठीक है, ये कब हो सकता है, जब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो है वो बहुत ही कम हो। ठीक है, और इसी के वजह से सर्किट जो है वो बहुत ही ज़्यादा वीक कहलाएगा और उसके वजह से फिलामेंट नहीं जलेगा और बल्ब ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये चांस है कि अगर हम लिक्विड में से दूसरे एंड से जो है इलेक्ट्रिक करंट पास कराने की कोशिश करेंगे तो उसमें बहुत हद तक ये है कि सर्किट जो है वो वीक रहेगा और उसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाएगी। ठीक है, एंड वाई इज द करंट इन द सर्किट वीक? वेल, थ्रू ए मटेरियल मे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट मे नॉट कंडक्ट, इट हैज इजिली हैज मेटल। ठीक है, अब देखो मेटल जो होता है ना वो आसानी से इलेक्ट्रिक करंट को जो है एक जगह से दूसरी जगह पास कर सकता है, मगर जो लिक्विड है वो इतनी जल्दी इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर पाता है। ठीक है, हैज अ रिजल्ट द सर्किट ऑफ द टेस्टर मे बी कम्प्लीट एंड येट द करंट थ्रू इट मे बी टू वीक टू मेक द ग्लो बल्ब ग्लो। देखो ये पॉसिबल है कि समझ लो जो सेल का जो एक एंड था वायर का, ठीक है, वो लिक्विड के अंदर था और दूसरा अगर देखा जाए तो वो टेस्टर से कनेक्ट था और इलेक्ट्रिक करंट भी पास हो रहा है मगर वो इतना ज़्यादा पास नहीं हो रहा है जिससे एक बल्ब जल सके। ठीक है, यानी अगर देखा जाए तो सर्किट जो है वो एकदम वीक होगा, इसकी वजह से बल्ब नहीं जलेगा। वी कैन यूज अनदर इफेक्ट ऑफ इन इलेक्ट्रिक करंट टू मेक अनदर काइंड ऑफ टेस्टर। ठीक है, अब देखो हम दूसरे इलेक्ट्रिक करंट का भी यानी इफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, और या तो दूसरे टाइप का टेस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। डू यू रिकॉल द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक इफेक्ट? अब देखो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसने हीटिंग इफेक्ट तो प्रोड्यूस करता ही है, इसके अलावा वो अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, व्हाट हैपेंड टू ए कंपास नीडल कैप्ड नियर बाय व्हेन करंट फ्लो इन ए वायर? ठीक है, अब देखा जाए तो एक मैग्नेटिक कंपास अगर हम लाते हैं तो उसके नीडल के साथ क्या होगा अगर वो वायर के बहुत करीब हो। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो जब वायर के करीब होता है कोई मैग्नेटिक कंपास तो उसके अंदर का जो नीडल होगा ना वो लगातार घूमता रहेगा। ठीक है, और वो कोई भी डायरेक्शन नहीं बताएगा इस तरह का। ठीक है, क्योंकि देखा जाए तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो रियल मैग्नेटिक इफेक्ट को डिफ्लेक्ट करता है, जिसके वजह से अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक नीडल यहाँ वहाँ घूमता ही रहेगा। ठीक है, इस तरह का। ठीक है, तो मैंने दो चीज़ बोला कि इलेक्ट्रिक करंट दो तरह के इफेक्ट करता है, पहला हीटिंग इफेक्ट, दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है,
और इसीलिए हम जब भी मैग्नेटिक कंपास को इलेक्ट्रिसिटी के वायर के पास लाते हैं तो उससे क्या होगा, मैग्नेटिक नीडल जो है वो लगातार घूमता रहेगा, ठीक है, और डायरेक्शन नहीं बता पाएगा। अब देखो, अगर तुम्हें लिक्विड में से देखा जाए, अगर हमें एलईडी जलानी है, यानी सॉरी कोई भी बल्ब जलाना है जो हम ले सकते हैं छोटे वोल्ट का, जिसमें आता है एलईडी, ठीक है, और एलईडी जो है वीक इलेक्ट्रिक करंट के बावजूद भी जो है जल सकता है, ठीक है, क्योंकि एलईडी में इतना इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती नहीं है और इसीलिए वो जल सकता है, ठीक है, समझे। यानी ये एक्सपेरिमेंट अगर करना है लिक्विड के साथ तो तुम बड़े बल्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उसमें ज़्यादा वोल्टेज लगता है, और एलईडी बल्ब का इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि उससे पता चल सकता है तुम्हें, ठीक है, कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और एक बैटरी की अगर हम बात करें तो बैटरी में दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल्स, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल का साइन रहेगा प्लस और नेगेटिव टर्मिनल का साइन रहेगा माइनस, ठीक है। और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी को अगर पास करना है तो ये दोनों ही टर्मिनल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों टर्मिनल से अगर कनेक्ट होगा तभी जाके इलेक्ट्रिक करंट जो है एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होगा, ठीक है। अगर दोनों वायर के एंड को अगर पॉजिटिव टर्मिनल में लगाओगे तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा, और ऐसे ही अगर नेगेटिव टर्मिनल में भी दोनों वायर एक साथ ज्वाइन करोगे तो भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा। इसीलिए हमेशा इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए दोनों टर्मिनल का इस्तेमाल करना पड़ता है, पॉजिटिव टर्मिनल के लिए भी, टर्मिनल भी और नेगेटिव टर्मिनल भी, ठीक है। और इसी तरह से अगर जो एलईडी है, एलईडी के भी दो साइड होते हैं, उसमें भी एक साइड पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करने के लिए और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। अगर एक ही जगह पे अगर दोनों टर्मिनल को एक साथ रखोगे तो हो सकता है तुम्हारा जो एलईडी है वो फ्यूज़ भी हो जाए, ठीक है, इस तरह का। अब देखो लेमन जूस है, उसकी अगर बात करें तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो सकती है, ठीक है, लेमन जूस में, और इसी की वजह से जो मैग्नेटिक कंपास होगा वो डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, यानी लगातार घूमता जाएगा। विनेगर में भी यही चीज़ है, ठीक है, कि उसमें भी क्या होगा, उसमें भी क्या चीज़ हो सकती है, तो उसमें से भी यानी वो भी देखा जाए तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, और इसी की वजह से इसमें भी अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक कंपास का जो नीडल होगा वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा तुम्हें। टैप वाटर में नहीं दिखाएगा क्योंकि वो अच्छा कंडक्टर तो नहीं कहलाता है, ठीक है, हाँ इलेक्ट्रिसिटी को पास तो कर सकता है मगर अच्छा कंडक्टर नहीं कहलाएगा, ठीक है, और इसीलिए अगर देखा जाए तो इसमें मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। वेजिटेबल ऑयल में भी नहीं दिखलाएगा, मिल्क में भी नहीं दिखाएगा, और हनी में भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये सब क्या है तो बैड कंडक्टर है, यानी अच्छे कंडक्टर नहीं कहलाते, मगर लेमन जूस और विनेगर जो है वो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पास कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक टाइप के एसिड है जिसके वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एसिड के साथ, यानी देखा जाए तो यानी एसिड जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर कहलाते हैं। अब देखो, अगर सॉल्ट वाटर होगा तो ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है, यानी समझ लो पानी अगर नमक वाला हो तो अगर देखा जाए तो थोड़े हद तक इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास हो सकती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।